नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटक में है। गुरुवार को इस यात्रा में कर्नाटक के पूर्व CM सिद्धरमैया शामिल हुए थे। वे राहुल के ठीक बगल में चल रहे थे, फिर अचानक राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ा और भागना शुरू कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिद्धरमैया आते हैं तो राहुल उनका हाथ पकड़कर दौड़ने का इशारा करते हैं, फिर पूर्व CM मुस्कुराते हुए राहुल गांधी के साथ कदम बढ़ा देते हैं। कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है, अब तो तैयारी करके जाना पड़ेगा, अगले साल यानी 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ कांग्रेस का सीधा मुकाबला BJP से है। यही वजह है कि कांग्रेस यहाँ दोनों दिग्गज नेता सिद्धरमैया और पूर्व कैबिनेट मंत्री DK शिवकुमार को समान महत्व दे रही है। कांग्रेस दोनों नेताओं के बीच संबंधों को मजबूत कर कार्यकर्ताओं में एकता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को केरल से शुरू हुई थी। 30 सितंबर को यात्रा कर्नाटक पहुंची। 21 अक्टूबर तक यात्रा यहां जारी रहेगी। गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी यात्रा में शामिल हुई थी। उन्होंने राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा की। खराब स्वास्थ्य की वजह से सोनिया लंबे अंतराल के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी जमीन में बैठकर अपनी मां के जूते की लेस बांधते दिखे। अब आज यहां यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।